लखीमपुर खीरी के थाना भीराशेद के ग्राम पंचायत बजुआ के पूर्व प्रधान रहे अमरीक सिंह उर्फ बिट्टू भैया का शव सोमवार को उनके कमरे में ही फंदे से लटकता मिला। उनकी मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हजारों लोगों का तांता उनके आवास पर लगा रहा। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वही तरह तरह के लोग चर्चाएं करते रहे। सूचना पर पहुंची भीरा बिजुआ पुलिस ने मौका मुआयना कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अमरीक सिंह बिट्टू क्षेत्र के जाने माने गन्ना किसान थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में नंबर वन गन्ना उत्पादन का खिताब हासिल किया। बिजुआ के पूर्व प्रधान और प्रमुख किसान अमरीक सिंह बिट्टू वर्तमान समय में गन्ना विकास परिषद गुलरिया के अध्यक्ष और भीरा गन्ना समिति के डायरेक्टर थे। जिस घर में वो रहते थे मृत पाए गए वो आलीशान कोठी ग्राम पंचायत बिजुआ के मजरा लौकहा में शारदा नदी के तट पर राजनीति की धुरी मानी जाती। इनके पिता राजा हरभजन सिंह भी भीरा गन्ना समिति के फाउंडर अध्यक्ष रहे। अमरीक सिंह बिट्टू काफी खुशदिल इंसान माने जाते। इस संबंध में थाना प्रभारी भीरा निराला तिवारी ने बताया कि मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सभी बच्चे बाहर रहते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की बात स्पष्ट हो पाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी से विकास वर्मा के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट।